अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान का स्पेशल जेली का मीठा, जो बच्चों बड़ों को सबको अच्छा लगने वाला है। हम इसको सहरी में इफ्तार में बनाकर एक कटोरी हम खा सकते हैं, इससे एनर्जी आ जाएगी। इसको हम बर्थडे पार्टी हो या कोई फंक्शन हो, हम उसमें बना सकते हैं। बच्चे बड़े सब इसको खाकर खुश हो जाने वाले हैं। माशाल्लाह ये इतना अच्छा बनेगा, इसको इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके लिए हम पानी लिए हैं, एक गिलास पानी है, थोड़ा सा ज़्यादा हम एक गिलास से लिए हैं पानी। इसमें हम जेली बनाएंगे, ये मैंगो फ्लेवर जेली है, इसको हम बना रहे हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसको हम घुलने तक पकाएंगे। जेली अच्छी तरीके से घुल जाए फिर इसको हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। दो कलर की जेली हम बना रहे हैं, एक मैंगो फ्लेवर है और एक स्ट्रॉबेरी है। आपके पास जो भी हो आप उसको बना सकते हैं, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो। हम दो फ्लेवर की जेली बना रहे हैं। जेली हमारी अच्छे से घुल गई है, अब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम एक ट्रे में जेली को जमाएंगे। अब इसको हम साइड में रख देंगे, फिर हम दूसरी जेली जमाएंगे। ये हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले रहे हैं, इसको भी हम जेली को जमा लेंगे। इसको हम घुलने तक पकाएंगे। ये जेली को हम आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। हमारी जेली आधे घंटे में जम जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी आधे घंटे में। अभी आप इसको अगर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो एक घंटा जमने में लगेंगे, हम इसको फ्रीज़र में आधे घंटे में जमा लेंगे। गर्मी का टाइम है इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है जेली जमने में। ये देखिए बॉयल आ रहा है, अच्छे से घुल गई है जेली। अब इसको हम दूसरे ट्रे में निकाल लेंगे। इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। आधे घंटे में जेली हमारी सेट हो जाएगी। इसके लिए हम दूध लिए हैं, एक लीटर दूध है हमारा, इसको हम बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। दूध हमारा बॉईल होने लगा है, अब इसमें हम अगर डाल रहे हैं। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है, इससे दूध सेट हो जाता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर को हम 10 मिनट के लिए भिगा दिए थे, वो अच्छे से फूल चुका है, इससे हमारा दूध जमेगा। दूध को हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, थोड़ा दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। अब इसमें हम आधा लीटर कंडेंस मिल्क हम डाल रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आपके पास ये नहीं है तो आप शुगर भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं।
हम 10 से 15 मिनट के लिए दूध को पकाएंगे। थोड़ा हम दूध को गाढ़ा करेंगे। अब इसको हम नीचे उतार लिए दूध को। अब जेली को हम कट करेंगे। जेली हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इसको हम छोटे छोटे क्यूब में कट कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कट कर सकते हैं। हम दो फ्लेवर की जेली इसमें डाल रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और वो मैंगो फ्लेवर है। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए हम जेली को कट कर लिए हैं। अब इसको ऐसे हम चम्मच से निकाल लेंगे। सारी जेली को हम निकाल लिए हैं चम्मच से। देखिए जेली हमारे अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको भी हम निकाल लेंगे। दूध हमारा ठंडा हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाल रहे हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दूध हम ठंडा होने पर ही डालेंगे। इसका फ्लेवर रहेगा नहीं तो गर्म में हम डालेंगे तो फ्लेवर इसका निकल जाता है। इसकी खुशबू नहीं रहती। जेली को डाल दिए। अब इसी में हम दूध जो पका कर रखे थे इसको भी हम डाल देंगे। दूध हमारा एकदम ठंडा हो गया है। हम गरम दूध नहीं डालेंगे नहीं तो जेली हमारी पिघल जाएगी। अब इसको हम फ्रीज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। दूध हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारी जेली का मीठा बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसको हम एक ट्रे में निकाल लेंगे। इसको हम साइड से छुरी से हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। अभी हम इसी ट्रे में निकाल लेंगे। अब इसको हम कट करेंगे। आप चाहे कट करें या ऐसे ही चम्मच से निकाल कर इंजॉय कर सकते हैं। ये मीठा बहुत ही यम्मी बनकर रेडी हुआ है। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। इतना अच्छा बनकर रेडी होगा ये। ये देखिए हम इसको इफ्तार में सहरी में इंजॉय कर सकते हैं। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।
इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।